दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की तरफ से मैं आज अजमेर के सभी शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MB मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवार को अजमेर के फायर अधिकारियों ने क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के आसपास जो अस्थायी पटाखों की दुकानें लगी हैं उनका औचक निरीक्षण किया है और औचक निरीक्षण अजमेर के कलेक्टर के आदेश के बाद में ये शुरू किया है और उसके अंदर आज उन्होंने जो फायर अधिकारी हैं उन्होंने जाँच की है औचक निरीक्षण में कि जितनी भी अस्थायी दुकानें हैं यहाँ तक फायर की गाड़ियाँ जो हैं वो आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से सुचारू यहां पर हैं या नहीं है। इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में फायर अधिकारियों ने जो जानकारी MPTV इंडिया को दी है उसके मुताबिक 3 से 4 अस्थायी दुकानें यहां पर ऐसी हैं जहां पर फायर की जो गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच सकती है और उसकी रिपोर्ट जो फायर अधिकारी हैं वो अजमेर के कलेक्टर को दे देंगे सूचना। उसके साथ ही शहर में तकरीबन 250 अस्थायी दुकानें हैं जिनकी फायर अधिकारियों को जाँच करनी है कि वहां तक जो फायर की गाड़ियां हैं वो पहुंच सकती हैं या नहीं पहुंच सकती हैं और उसके बाद उनको एक रिपोर्ट अजमेर के कलेक्टर को देनी है और उसके बाद अजमेर के कलेक्टर इस बात को तय करेंगे कि इन जो अस्थायी दुकानें पटाखों की खुली है इसको चालू रखना है या फिर बंद रखना है। जिसके अंदर के जो कहां जहां फायर ब्रिगेड गाड़ी आसानी से पहुंच सकती है और कहां पर वायरिंग वगैरह ऊपर है वो ताकि दोनों चीज़ों पर जानकारी दे सके, क्योंकि अक्सर दिवाली पर जब गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती तो हादसे की गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो हम इंडिविजुअल हर क्षेत्र में खासतौर से क्लॉक टावर क्षेत्र में जो है वो हम मैं और हमारे फायर सर हैं गौरव जी उनको दोनों जांच कर रहे हैं और जब तक अभी तक हमने पाया कि सब कुछ ठीक है दुकान है, वो 2-3 दुकानें और देखेंगे उसकी और आगे रिपोर्ट भेजेंगे कल साहब को, अगर वो सूटेबल होगा तो वो दे देंगे वरना कैंसिल करेंगे।